बहुत लोग कमेंट करने वाले इस वीडियो पे, एंड बहुत लोग को लग भी रहा होगा कि अभी 10 दिन में अभी क्या होगा यार, ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। तो अभी टाइम आ गया है ऐसे लोगों को चुप करने का। इफ़ यू हैव एनी वन अराउंड यू हु इज़ टॉकिंग कि अभी कुछ नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता, ऐसे लोग को रॉन्ग प्रूफ करते हैं नेक्स्ट 10 डेज वर्क करके। या सो लेट्स वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज एंड प्रूव एवरीबडी रॉन्ग, खुद को रॉन्ग करो। एंड आई विल लव टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग इफ आई एम गिविंग CET पेपर बाय स्कोरिंग गुड मार्क्स। या तो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट द 10 डेज का प्रोग्राम, 10 डेज स्टडीज, हाउ टू प्लान योर स्टडीज इन द नेक्स्ट 10 डेज। या ताकि लास्ट 10 डेज अपन इम्प्रूव कर करके वी कैन कन्वर्ट गेट द टॉप कॉलेज, ठीक है। 70-80 से लेके 125-130 वाला जिसका भी जो स्कोर आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट हाउ टू इम्प्रूव द स्कोर्स। ये वीडियो का टारगेट इज ओनली प्योरली ऑन स्कोर इम्प्रूवमेंट। एडमिट कार्ड आ गया सर, टेंशन आई यार, एडमिट कार्ड आ गया टेंशन से ज़्यादा लुक एट द पॉजिटिविटी यार, कि अभी फाइनल काउंटडाउन चालू हो गया। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन द लास्ट 10 डेज। आई एम गोइंग टू बेयर आउट द कंप्लीट पेपर सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ लास्ट डिच टाइम, ठीक है। अभी जो लोग कहते हैं सर 10 दिन में अभी ज्वाइन करके क्या फ़ायदा, सर आपका मेरे को भी आज भी कॉल आया है कि सर अभी लास्ट 10 दिन में आपका कोर्स ज्वाइन करके क्या फ़ायदा, अभी क्या हो जाएगा। यार तुम्हारे ऊपर है, 5 मार्क भी 10 मार्क भी तुम्हारा अगर इंक्रीज हो सकता है तो क्यों नहीं यार, वाई कैंट यू डू दैट। आई कैन आराम से एक ही दिन का 2-2 मार्क भी इंक्रीज किया जाए, 1-1 मार्क भी इंक्रीज किया जाए तो 10-20 मार्क का इंप्रूवमेंट तो ऑब्वियसली वी कैन शो इन द लास्ट 10 डेज, ठीक है। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल दो जो स्टोरी स्कोरिंग अराउंड 70-80 मार्क्स टूडे, एब्स्ट्रैक्ट 15, लॉजिक 40, क्वांट 20, वर्बल 20, दिस इज योर टारगेट स्कोर विच इज 95। तो जिसका भी 75-80 आ रहा है, आई टॉक अबाउट 100 and 125, 131 एज वेल इन सम टाइम, तो अभी के लिए पहले इसकी बात करते हैं, 2 मिनट के बाद उस पर आएंगे। 95 जिसका बात स्कोर आ रहा है, बाकी कोई बात होने वाला है, 100 लोगों की बात करेंगे, 125 लोगों की बात करेंगे एक एक करके। तो तुम्हारा टारगेट स्कोर 95, आपका जिसका 75 सपोज स्कोर आ रहा है, आपका इनमें से दो जगह पे टारगेट अचीव हो रहा होगा, लाइक एब्स्ट्रैक्ट ऑलरेडी 16-17 आ रहा है एवरेज, या एक आधे मॉक में 12 भी आया होगा, वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एंड लॉजिक में फॉर एग्जांपल मेरा 45-43 आ रहा है, तो दो जगह पे ना ये टॉपिक टच हो रहा है, टोटल टच हो रहा है। क्वांट वर्बल मेरा भी इंप्रूव करना बाकी है। या नॉर्मली हर इंसान का दो जगह टच होगा या 3 जगह भी टच होगा, बाकी दो जगह पे वीक रहेगा या एक जगह पे बहुत ज़्यादा वीक रहेगा, सो दैट आई नीड टू इम्प्रूव। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वांट अगर वीक रहेगा तो DI इम्प्रूव कर लो, क्वांट के सारे फॉर्मुलस कर लो, यू हैव टू ओपन द बुक, ठीक है। अभी भी 1 हफ्ता और तुम बुक खोल सकते हो, लास्ट यस 4-5 दिन आई डोंट रिकमेंड टू ओपन द बुक, अभी अपने पास टाइम है। 10 मार्च तक जो इम्प्रूवमेंट दिखानी दिखा दो, ठीक है। 10 मार्च को भी लॉक, 10 मार्च को लॉक हो गया मतलब अगर 10 मार्च को आपका क्वांट के 10 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई हम 10 मार्क पर लॉक कर देंगे। आई वॉन्ट टू फाइनलाइज द स्ट्रेटजी, उसमें यस 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है बट और ज़्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं बचेगा। फिर अगले 10 तारीख तक लास्ट नेक्स्ट 5-6 डेज अपने पास है, जो इंप्रूवमेंट दिखानी दिखा दो, ठीक है। तो दो जगह आपका जो टारगेट अचीव हो रहा है उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना अभी, अभी सिर्फ मॉक देते जाओ, बुक्स खोलते जाओ, बुक्स मत खोलो, मॉक टेस्ट खेलते जाओ। वीक एरिया जो है वो अपन एक लास्ट ट्राई कर सकते हैं इंप्रूव करने का, सो दैट आई कैन क्रॉस 95 टच हो गया तो तुम्हें एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा थ्रू MS और PGDM, डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा विद 5-7 लाख का एवरेज पैकेज, ठीक है। नाउ मूव अप द वैल्यू चेंज, जिसका 100 आ रहा है टुडे, आपका टारगेट इज 20-45-25-25, सो दैट वी कैन इम्प्रूव थोड़ा थोड़ा टारगेट स्कोर 115+। या इसमें प्लस माइनस 5 मार्क्स आप लेके आ सकते हो, बट दिस इज द मोटा मोटा स्कोर यू नीड जो आपका आ सकता है, ठीक है। अगेन 4 में से 2 जगह आपका टारगेट अचीव हो रहा होगा एंड 2 जगह पे टारगेट अचीव बनना करना बाकी है। नाउ इन द कमेंट बॉक्स आई वॉन्ट यू टू पोस्ट कि नेक्स्ट 1 वीक में आपका क्या वीक एरिया बाकी है एंड हाउ मच इज योर टारगेट मार्क्स यू वॉन्ट टू इम्प्रूव इन दैट एरिया एंड विच यू थिंक यू कैन डू इट। लाइक क्वांट में मैं 10 नंबर इम्प्रूव कर सकता हूँ, वर्बल में 10 मार्क्स इम्प्रूव कर सकता हूँ, तुम क्वांट में अभी मेरा 6 नंबर आ रहा है, मैं 46 टारगेट करूँगा तो दैट्स टू इम्पॉसिबल टू टारगेट अचीव। आई वॉन्ट यू टू पोस्ट हाउ मच मार्क्स यू थिंक यू कैन इम्प्रूव इन अ पर्टिकुलर सेक्शन सो दैट वी कैन मोटिवेट ईच अदर। अभी बीच में सपोज किसी ने डाला कि मैं 20 मार्क्स ला के दिखाएगा इन क्वांट, दैट्स माई चैलेंज टू एवरीबडी,
यू विल फील, तुम खुद तो मोटिवेट हो गए होगे, यू आर ऑल्सो मोटिवेटिंग 10 अदर पीपल कि यार मेरा भाई 20 कर रहा है तो मैं 10 तो इम्प्रूव कर ही दूंगा. ठीक है, सो दिस इज योर टारगेट स्कोर. जो जो तुम्हारा वीक एरिया उसके लिए बुक खोलो, सेक्शनल टेस्ट दो, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, गो थ्रू ऑल ओवर शॉर्टकट्स सो दैट वी कैन रीच दैट टारगेट. या जिसका ऑलरेडी 125 आ रहा है, 120 प्लस आ रहा है, उसके लिए 20 55 35 35, दैट इज जमनाल बजाज फॉर यू. नाउ 20 55 35 35, इसमें से प्लस माइनस 10 मार्क्स में भी तुम्हें जे बी मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आपका लॉजिक 65 है एंड प्लस 10, एक माइनस 10 भी चलेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्वांट अगर 25 है तो वर्बल हैव टू बी 40 एंड लॉजिक हैव टू बी 60. या खाली माइनस 10 पे नहीं जे बी मिलने वाला, प्लस 10 माइनस 10, एक जगह पे प्लस 10 या दो जगह पे प्लस 5 एंड एक जगह माइनस 10 भी होगा तो भी यू आर इन लाइन फॉर द जे बी. इसके लिए मैं कहता हूँ यार हमारे मॉक में 140 टच कर दो, एक बार बस 140 टच कर दो. जिसने हमारे मॉक में एक बार 140 टच कर दिया, तुम्हारा जे बी हो रहा है उस दिन के ऊपर. उस दिन तुम गड़बड़ करके आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता. उस दिन तुमने पजल में गड़बड़ कर दिया, यहाँ गड़बड़ कर दिया, वहाँ गड़बड़ कर दिया, दिस इज योर फाइनल इम्प्रूवमेंट स्कोर का टू फाइंड द लूप होल्स. ठीक है, जिसका एक जगह पे बहुत ज़्यादा कम है, लाइक 10 के नीचे है, तो भाई तुम्हारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा है. या तो आप अपना इम्प्रूवमेंट का ग्राफ तैयार करो, दिस इज द सिचुएशन टू बी, आज मेरा स्कोर इतना आ रहा है एंड देन मुझे यहाँ तक जाना है, एंड देन अगले 10 दिन में तुम्हारे सामने आ जाएगा कि वो कैसे जाना है. बुक खोलो, टॉपिक करो, वो टॉपिक इम्प्रूव करो. अगले 10 दिन आई एम गोइंग टू लॉन्च अ सर्जिकल स्ट्राइक ऑन ईच ऑफ द एरिया, क्वांट, वर्बल, एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिक. लॉजिक के अंदर तुम्हारा लॉजिक अलग, क्रिटिकल रीजनिंग अलग, एब्स्ट्रैक्ट अलग. हर एक टॉपिक में घुस घुस के विल अटैक. ठीक है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट एरिया. या दैट इज गोइंग टू बी योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 10 डेज टिल 10th ऑफ मार्च. 10 मार्च को फिर हाथ जोड़ के बस भाई हमने ट्राई मार लिया अपनी तरफ से. अभी लास्ट 3 दिन सिर्फ मॉक में वही स्कोर को फाइनल करके, एक स्ट्रैटेजी फाइनल करके, विल नॉट चेंज द स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो स्कोर वाइज दीज आर द स्कोर एंड द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आपके सामने आ जाएगा द मोमेंट यू फिल दिस टेबल, द मोमेंट यू फाइंड आउट योर स्कोर्स. ऑलराइट, द दोज हू हैव सीटिंग लॉगिन आईडी गो टू ई क्लासेस शॉर्टकट वर्कशॉप जिसने लिया है, ये सारे वर्कशॉप एक बार देख लो. हर टॉपिक के ऊपर DI, क्वांट, ट्रेडिशनल लॉजिक, जिसको लगता है कि शॉर्टकट नहीं है यार, यू माइट हैव जॉइंट सम क्लासेस जिन्होंने आपको सिलेबस खत्म करवा के बाय बाय किया. बट सिलेबस खत्म करने से ज़्यादा देर लॉट ऑफ शॉर्टकट थिंग्स वी हैव, गुड बाय वर्कशॉप, जी स्ट्रेटजी, एवरीथिंग, ग्रामर वर्कशॉप, हर चीज़ का शॉर्टकट हमने यहाँ पे डाल के रखा है. ठीक है, जिसको लगता है कि लाइक लॉजिक में शॉर्टकट नहीं है, आप एक बार वीडियो देखो. पजल्स में भी जी स्ट्रेटजी है अपने पास, इन द रिलेशनशिप वाली पजल. तो इन केस यू वांट टू जॉइन इट प्रोग्राम, यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम इन विच ऑल द शॉर्टकट्स आर कवर्ड, जी स्ट्रेटजी, एवरीथिंग इज कवर्ड हेयर इन दिस प्रोग्राम. मुझे वो गैप भरना है कैसे भी करके. जो भी आपका स्कोर आ रहा है अभी गैप भरने का टाइम आ गया है. या सो दोज यू हैव द लॉगिन आईडी, ग्रेट. दोज यू डोंट हैव द लॉगिन आईडी, यू कैन बाय दिस लॉगिन आईडी. लॉगिन करने के बाद असाइंड कोर्सेज में जाके आप देखो, ये सब मिलेगा. या लेट्स क्रैक इट. ठीक है, तो 10 दिन अपने पास है, 10 दिन में क्या नहीं हो सकता यार. करने वाला कुछ भी इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं. और हम लोग पढ़ते एंड में आके यार, हमने सारी उम्र पढ़ाई एंड में आके, तो अगला 10 दिन जान लगा दो. मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई विल कीप यू मोटिवेटेड एवरी डे, ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ हूँ. आप में हिम्मत है कि नहीं है वो तुम देखो. ओके, ऑल द बेस्ट. सुन के जॉइन प्रोग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है. So we have the mocks, shortcuts for the last 10 days program. All the best.